अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिंधु सागर के छठे प्रोग्राम में आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने हाल ही में नया प्रोग्राम सिंधु सागर शुरू किया है। आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके आगाह कीजिए। हमसे टेक्निकल कोई गलतियां खामियां रह जाती हैं तो उनकी निशानदेही कीजिए ताकि हम दूसरे प्रोग्राम में उन्हें बेहतर कर सकें। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान में अदब की दुनिया से जुड़े हैं। आज के मेहमान डायरेक्टर हैं, स्टोरी राइटर हैं, लिखारी हैं, मुसन्निफ हैं, मेज़बान कहानीकार, फिल्म की स्क्रीन टीवी से लेकर फिल्म की स्क्रीन तक छाए हुए हैं। उनका मिजाज दूसरों के लिए शफकत भरा, आगाही फराहम करने वाला मददगार रहता है। उन्हें आज की इस महफिल में सिंधु सागर की नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं। भली घर आया मैम फरीन चौधरी साहबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का इस प्रोग्राम में। सिंध की सहराओं से तो मुझे वैसे ही बहुत प्यार है। मैं 5 साल रही कराची में और मैंने गई, मैं पूरा सिंध जेब में भी हूँ और मुझे सिंध से बहुत प्यार है। बहुत शुक्रिया सिंध सिंध के प्रोग्राम में मुझे बुलाने। शुक्रिया शुक्रिया, हम आपका अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। मैंने नया पेज बनाया था लेकिन फिर भी आपने बड़ा दिल करके आने के लिए हाँ कर दी और आप चली आई। इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, राय देना चाहें तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट नशर भी करेंगे और मैम से आपका सवाल पूछा भी जाएगा। तो हमें आगाह करते रहिए और हमें तस्वीर हमारी वॉइस का ये भी बताते रहिए, क्योंकि हमें नेट में पहले मसला आ रहा था, ये 10-15 मिनट जो लेट हुए हैं ये इंटरनेट की वजह से हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मैम आपकी पैदाइश से मुतल्लिक है, आपकी पैदाइश किस इलाके की है और अब आप किस शहर में मुकीम हैं? मैं क्वेटा में पैदा हुई थी और पूरा पाकिस्तान फिरी हूँ मेरे डैडी की मुलाजमत के सिलसिले में, और सेटल इस्लामाबाद में हूँ। वो भी तकरीबन स्कूल एज से ही यहाँ पे सेटल्ड हूँ और बस काफ़ी उम्र इधर ही गुजर गई। उसके अलावा जाहिर है दुनिया घूमती रही, पूरा पाकिस्तान घूमती रही, लेकिन बेसिकली यहीं पे सेटल्ड हूँ। बीच में से मैं 5 साल के लिए कराची गई थी, 2000 से लेके 2005 तक। तो वहाँ से मीडिया में बहुत काम किया, पीटीवी के लिए किया, मैनहट्टन की डायरेक्टर प्रोडक्शंस थी, तो वहाँ का भी सारा पूरे सिंध को भी फिरा हुआ है। जबरदस्त। आपकी तालीम काबिलियत क्या है मैम? अपनी तालीम के बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप जो देख रहे हैं नाज़रीन उनके लिए? तालीम जी, मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, और जो मेरी स्कूलिंग है वो तो मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान की होती रही, लेकिन जो हायर क्लासेस और कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो इस्लामाबाद से ही है। जबरदस्त। आप आज जो कुछ भी हैं कि आप क्या समझती हैं इसमें आपके उस्तादा की मेहनत है, उनका इसमें क्या किरदार है? आप जो आज बन चुकी हैं उनमें उस्तादा का क्या किरदार है? देखिए शफीक, कोई इंसान जो है ना किसी एक जगह से नहीं बनता। इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ हो, उसकी सलाहियतें, उसका ब्रिंग अप, उसके इर्द गिर्द के लोग जिनमें वालदैन, फैमिली, बहन भाई, टीचर्स, फिर उनका माहौल, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनसे आप बहुत इंस्पायर होते हैं, जिनके करीब रह के आप बहुत कुछ सीखते हैं। हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है माहौल। अच्छा, कुछ तो ये होता है कि माहौल आपको बनाता है, टेम करता है, लेकिन बाज़ोकत ये भी होता है कि लोग अपनी मर्जी से, अपनी तबीयत के हिसाब
से भी कुछ माहौल चुन लेते हैं। तो ये चीजें मतलब कोई इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई खास फॉर्मूला नहीं है, बस जिसको जो रंग भा जाए वो उस रंग में रंगा जाता है। जबरदस्त। आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन में आप शरारती थी? कोई बचपन का वाकया, कोई बचपन की बात या कुछ बताना चाहें आप? मैं अभी भी शरारती हूँ, और बचपन तो मैं हमेशा से शरारती रहा, लड़कपन भी शरारती रहा, और मैं बहुत शरारतें करती थी। लड़कों वाली सारी मेरी गेम्स होती थी, गुल्ली डंडा मैं खेलती थी, लोगों के शीशे मैं तोड़ती थी, दरख्तों पे चढ़ के फ्रूट मैं तोड़ती थी, दीवारों के ऊपर मैं चढ़ती थी। यानी मैंने यूनिवर्सिटी एज तक मैंने ये शरारतें की है, और अपने टीचर्स को तंग भी बहुत करती थी, लेकिन चूंकि हमेशा लाइक स्टूडेंट रही थी, टॉप स्टूडेंट थी, तो टीचर्स माफ कर देते थे। और लड़कों की मैं सरगना होती थी ग्रो की, जब छोटी सी थी, फिफ्थ था, सिक्स में, चूंकि को एजुकेशन में पढ़ती थी, तो लड़कों को आगे लगाया होता था। और कुछ लड़के मुझसे बहुत चिढ़ते थे कि उनकी जो वो एक सरदारी होती थी उसको मैं चैलेंज कर देती थी, और बस बहुत शरारतें, मतलब इतनी शरारतें तो लड़के भी नहीं करते होंगे। मैट्रिक और फर्स्ट ईयर तक मैं पतंग भी उड़ाती रही, माँ से छुप छुप के, अम्मी बहुत डांटती थी, एक दो दफा थप्पड़ भी पड़े कि लौंडों की तरह खड़ी होकर छत पे पतंग उड़ाती है, लेकिन मैं ये भी करती रही, क्योंकि शायद मेरा ख्याल है जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। मैं भी काफी अलग थी बाकी लड़कियों से, यानी मुझे हार सिंगार का, पार्लर्स में जाने का, रेशमी कपड़े पहनने का, जेवर लटकाने का बिल्कुल शौक नहीं था, वो मुझे अभी भी ज्यादा नहीं। यानी कि आप रिवायती लड़की नहीं थी और कॉलेज में आप कामरेड थी। बस जो भी कह ले, बस वो थी ऐसी। लेकिन जब लड़की औरत वाला रोल निभाना आया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया। जबरदस्त। कोई वाक्य बचपन में सुनाना चाहें आप, यादगार लम्हा या बचपन कोई का मेरा कोई वाक्य एक वाकया तो नहीं है, हाँ जो शरारतें आदमी? मेरी बचपन में, मार भी बहुत, मम्मी से बहुत मार पड़ती थी, डैडी तो मेरे से बहुत ज्यादा, डैडी से तो बहुत दोस्ती थी, लेकिन अम्मी से काफी डांट और मार पड़ती थी, क्योंकि अम्मी कहती थी, डैडी मेरी हिमायत करते थे तो अम्मी डांटती थी, अम्मी कहती थी देखो इसने कल को पराए घर जाना है और ये वहां जाके पतंगे उड़ाएगी, मतलब क्या सास और नंदे इसके जीना कर देंगी, ये कुछ लड़कियों वाले काम करेगी तो होगी। तो मैं पतंगे उड़ाती थी, तो मुझे याद है कि एक दफा लोग तो अपने घर में हमारे फ्रूट होता था, फ्रूट ट्रीज, लेकिन मैं हमेशा दूसरों का फल चुराती थी, चुरा के खुद नहीं खाती थी, अपने ग्रुप को, अपने ग्रो को खिलाती थी, क्योंकि मैं सरगना थी, अपने ग्रुप सरदारनी थी। तो जो मेरी यानी एक शरारत मुझे याद है कि मैं उस वक्त शायद थर्ड या फोर्थ में थी, तो मेरी अम्मी हॉस्पिटल में, कोई इनको ऑपरेशन का दाखिल हुई, अब हमें तो नहीं पता था क्या मसला क्या, तो खैर ग्लूकोज वगैरह लगा। अब वो जो बॉटल्स थी ग्लूकोज की, मेरे लिए एक बड़ी नई चीज थी, मैं तीन चार ना जब मम्मी डिस्चार्ज होके आई तो मैं वो बॉटल्स ले आई, मेरे शरारती दिमाग ने क्या सोचा कि हमारा जो लॉन था वो उसकी चार दीवारी नहीं होती थी, लाहौर की बात है, तो बड़े बड़े दरख्त होते थे जामन के, और वो होता था वो जो हेज होती है, अब दरख्तों में मैं चढ़ क्या किया कि उन बॉटल्स में रंगदार पानी भर दिया, वो जो ग्लूकोज की बॉटल्स होती हैं, और दरख्तों में छुप के बैठ गई। अब उस इलाके के जो जो अंकल आंटियां मुझे बुरी लगती थी, या जो जो बच्चों जिनसे लड़ाई थी, मैं उनके ऊपर रंगदार पानी ऊपर से फेंकती थी, उनके सारे कपड़े खराब हो जाते थे, तो जब किसी को समझ आती थी ये ऊपर से कोई पानी फेंक रहा है, मैं गायब हो जाती थी, एक हफ्ता तो किसी को पता नहीं चला,
लोगों ने आखिर मुझे देख लिया कि ये करती है ऐसे। लोगों के कपड़े खराब हो जाते थे, शाम को वॉक करने निकलते थे। उस पे फिर मुझे याद है मुझे अम्मी से बहुत मार पड़ी थी, पहली दफा बड़ी शदीद। अम्मी ने कहा ये करती क्या फिरती है, इसने बड़े होके बनना क्या। बस इस तरह की बहुत शरारतें होती थी। यानी ये बचपन आपका शरारतों में और मार खाने में गुजरा है, पिटाई लगी यानी कि दादा। नहीं, मार खाने में कभी कभार कभी कभार पड़ती थी, लेकिन शरारतें तो मैं अभी भी करती हूँ। मैं तो शरारती, बेसिकली शरारती हूँ। चलिए, कुछ बातें आपकी पता चल रही हैं सब लोगों को, सुन रहे हैं लोग। अच्छा, स्कूल स्कूल का टाइम शेयर करना चाहेंगे आप? स्कूल में किस तरह वक्त गुजरा? स्कूलिंग मैंने आपको बताया ना, मेरी मुख्तलिफ शहरों में हुई फादर की पोस्टिंग्स की वजह से। कुछ लाहौर में टाइम गुजरा, आजाद कश्मीर में भी रहे, सवात में भी रहे, लेकिन वो बहुत बचपन में। और ये डिफरेंट जगहों पे फिरने का ये फायदा हुआ कि मैंने डिफरेंट कल्चर्स में एडजस्ट करना सीख लिया, और हर जगह दोस्तियां थी मेरी। और सब वही स्कूलिंग, हमेशा मैं टॉप स्टूडेंट रही हूँ। बस में अदब की मैं प्रेसिडेंट थी 9th मैट्रिक में, और तब भी मैं लिखती थी छोटी छोटी शेर व शायरी, कहानियाँ, मजामीन। फिर स्कूल के जमाने से ही ड्रामे करने, उनमें कैरेक्टर्स का रोल करने, उनके स्क्रिप्ट बनाने, कहानियां, तब से मेरी शाया होती। तो स्कूल मतलब मैंने जो भी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी एज तक बड़ी भरपूर, मैंने स्टूडेंट लाइफ बड़ी भरपूर गुजारी है। शरारतें करते हुए स्टडी में भी टॉप में थी, और लिखना पढ़ना भी तब से है, मतलब छोटी छोटी कहानियां। ये तो मैंने जूनियर स्कूल से शुरू कर दी थी, छोटी छोटी पोइम्स, छोटी छोटी कहानियां। कोई यादगार लम्हा स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का शेयर करना चाहें? वो तो ढेरों है यादगार। एक बड़ा अच्छा हुआ था कि जब मेरा वो तो मैं लिखने बैठूं बताने बैठूं, लेकिन एक बड़ा यादगार लम्हा वो भी था कि जब मेरी कॉलेज में एक कोई अनाउंसमेंट हुई थी किसी अफसाने की, उसके लिए तो मैंने अपना अफसाना, वो थीम थी कोई पेट्रियोटिज्म पे, मुहिब्बे वतन या इंसानियत के हवाले से, तो मैंने अफसाना लिखा हुआ। मेरी मैम मुझे कहने लगी कि लिखती रहती हो कॉलेज मैगजीन में, तो तुम कुछ लिखो ना। मैंने अफसाना लिखा तो बड़ी मुझे हैरत अंगेज खुशी हुई कि मेरे अफसाने ने ऑल पाकिस्तान प्राइज लिया था। वो मेरे पहले मजमूए सचेत में शामिल है, उसका नाम था बहते पत्थर। तो वो बड़ा फिर एक मेरे लिए प्राइड था, कॉलेज के लिए भी प्राइड था। हाँ जी, जबरदस्त। अदबी दुनिया में किस तरह आना हुआ मैम आपका? किसी शख्सियत से इंस्पायर हुई हैं या लिखने पढ़ने का ज्यादा शौक रहा बचपन से? नहीं, मैं तो बचपन से लिखती पढ़ती थी बताया, लेकिन जिनसे मैं इंस्पायर्ड थी वो मुफ्ती जी थे, मुमताज मुफ्ती जी। आपकी किताब है जिन पे अभी मेरी किताब भी थी, मुफ्ती जी और मैं। बानो आपा को पढ़ती थी, इशफाक अहमद को पढ़ती थी, फिर मैक्सिम गोर्की की मदर। मैंने आई वॉज इन क्लास 8th, मैंने 8वीं क्लास में मैक्सिम गोर्की की मदर पढ़ी थी। काफ्का को मैंने पढ़ा, ओ हेनरी को पढ़ा, मोपसा को पढ़ा, मतलब मुख्तलिफ जो मुझे अच्छी चीज में कीड़ा होती थी किताबों का, मुझे जो कोई बड़ों की भी किताब नजर आती थी उसको पढ़ डालती थी। कुछ समझ आता था, कुछ नहीं आता था उस वक्त, लेकिन मैं पढ़ती थी अदब को। तो मुफ्ती जी से मैं बहुत मुतासर थी, और मैं क्लास 8th में थी जब मैंने उनकी किताब लबैक पढ़ी, और बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी मैं,
और फिर अल्लाह ने कुछ ऐसा किया कि उन्हें मिल लिया और फिर बस उन्हीं की मुरीद हो गई। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जिंदगी के हवाले से और इनडायरेक्टली अदब के हवाले से। कभी हमारी ये डायरेक्ट बात नहीं हुई लेकिन इनडायरेक्टली जिसे कहते हैं ना, बहुत कुछ सीखा। मंशा याद, डॉक्टर रशीद अमजद, बहुत बड़े नाम जिनके मैं क्लोज रही और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। रशीद अब्बासी साहब देख रहे हैं होसड़ी से। अच्छा, जी आप शायर भी हैं, नाज़रीन को कुछ सुनाएंगे? कोई नज़म, कोई गज़ल, कोई बंद कुछ सुनाना पसंद करेंगे आप? हाँ, शायरी अभी मैं किताब तो नहीं, हाँ कोई अलबत्ता बात एक नहीं। नज़्म है छोटी सी जी मैं सुना देती हूँ। अभी कोई और सवाल कर ली, मैं किताब मंगवा लेती सही क्योंकि मुझे दो तीन शेर सही याद होते हैं, पूरी चीज नहीं याद होती, पूरी गजल नहीं याद होती। अभी सही कोई है, कोई और बात सवाल नहीं। कर ली आप तो फिर जी मैं जी जी ये देख प्रोग्राम लेती आपका हूँ। है, आप जिस तरह बात करना चाहें कीजिए, सवाल कुछ भी नहीं है, बस बुनियादी सवाल आते हैं। अच्छा, वैसे आप मुझे जो डायरेक्टर भी हैं? अपनी चंद अशआर बहुत पसंद है ना, वो मैं जी आपको जी सुना देती हूँ। एक तो मुझे अपना वो शेर बहुत पसंद है कि मुझे भी प्यास के सहरा में भटकाया गया है, मुझे भी प्यास के सहरा में भटकाया गया है, मगर वाह, एक वाह, सी मेरी मोजज़ा बांधा। बस दुल्हन है सवाल आ रहे हैं कोई? जी। अभी के सवाल तो नहीं आया, गुड वर्क सिर्फ एक किसी ने कहा है। अच्छा, इसके बाद जी बस बताइए। दो लाइनें सुनानी है आपने। नहीं मैं और भी सुनाती हूँ, मतलब ये तो मेरा एक अलग शेर है ना याद? केला। मुझे जी, भी जो आपको प्यास याद के है। सहरा में भटकाया गया है, मगर एड़ी से मेरी मोजज़ा बांधा नहीं है। और इसके अलावा एक मेरी मोहब्बत कर्ज होती है, मोहब्बत कर्ज होती है, इसे जल्दी अदा कर दो, वाह, कहीं ऐसा ना हो जीवन के जलते रेतले दुश्वार रस्तों पर ये मुट्ठी से फिसल जाए। वाह, मोहब्बत कर्ज होती है, इसे जल्दी अदा कर दो, कहीं ऐसा ना हो जीवन के जलते रेतले दुश्वार रस्तों पर ये मुट्ठी से फिसल जाए। खिजां वाह, के सर्द पत्तों से मिलकर, दूर मंजर से गुजर कर, आंधी की भीड़ चढ़ जाए, किसी सहरा में खो जाए, किसी मैली सी चादर की किसी सिलवट में सो जाए। और इसका क्या था कि कहीं सिक्कों की ढेरी में पड़ी बदनाम हो जाए, मोहब्बत कर्ज होती है, इसे जल्दी अदा करो। ये बीच में से एक दो मिसरे मुझे भूल रहे थे, मैं वाह, जबरदस्त, थैंक यू। आप इतनी मेहनत लगा के पूरी पढ़ दी, चलें बहुत शुक्रिया। आप डायरेक्टर भी हैं, मैम एक और अगला सवाल आपके लिए, आप डायरेक्टर भी हैं, इस हवाले से कुछ आगाह कीजिए, थिएटर, फिल्म, ड्रामे के बारे में क्या डायरेक्ट किया आपने, दोस्तों को मैं बताइए। बेसिकली तो जी मेरी जो मेन ट्रेनिंग थी वो ऑन जॉब, जब मैंने लोक विरसा में यूनिवर्सिटी के बाद जॉब शुरू की जी तो वो लोक विरसा का जो मीडिया सेल था उसकी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी। तो वहाँ पे अक्सी मुफ्ती उसके चेयरमैन थे और हमने बहुत काम किया वहाँ के स्टूडियो में, यानी पठाने खान से लेके आपदा परवीन तक हमने हर क्लासिक और फोक आर्टिस्ट की 8-8 घंटे की हमने जो है रिकॉर्डिंग्स की। और फिर उनमें से एक एक घंटे की जो रिकॉर्डिंग थी उसे हमने उनको किया, पीटीवी को बेचा।
असरे हाजर के नाम पर मौसीकार के नाम से। तो वहां से फिर मुझे डायरेक्शन का और मीडिया का भी चस्का पड़ गया। फिर वो मैं करती रही, फिर कराची में मैनहट्टन की डायरेक्टर प्रोडक्शंस रही, तारा का स्टूडियो वगैरह मैंने बनवाया। उस दौरान फिर जलाली साहब और काजिम पाशा से टकराव हुआ, उन्होंने मेरी किताबें पढ़ी आधा सच, फिर उन्होंने मुझे ड्रामा लिखने की किया, फिर मैंने ड्रामे भी वहां से सीरियल लिखे। सबसे पहले मेरा जलाली साहब के साथ था दामे रसाई, बहुत हिट गया। उसके बाद काजिम पाशा के साथ पानी पे नाम, मेरा लक स्टाइल इंटरनेशनल के लिए अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था। फिर उसके अलावा बिल्कुल ढेरों ईद के स्पेशल शोज, बरगो शजर कश्मीर का, और जैसे का स्पेशल एक पहला मेरा प्ले आया था तुम क्या मिले, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि मेरे उस पहले कॉमेडी प्ले में मुईन अख्तर और जमशेद अंसारी मरहूम, इतने बड़े नाम इन लोगों ने काम किया था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज था। इसके अलावा तारा के स्टूडियो से मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था सच ऑनलाइन, जिसकी कॉम्पेयर राइटर डायरेक्टर मैं थी और वो पीटीवी वर्ल्ड पे चलता था। फिर कराची टीवी से अयूब खान थे प्रोड्यूसर, उन्होंने मेरे साथ एक प्रोग्राम किया जो मैंने कॉम्पेयरिंग की थी, वो था हरदम रवा है जिंदगी, वो स्पेशल बच्चों के बारे में था। इसके अलावा फिर 5 साल जो मैनहट्टन में मैंने काम किया, मैंने बहुत प्रोग्राम बनाए पीटीवी वर्ल्ड के लिए, चैनल्स के लिए, और बल्कि पीटीवी वर्ल्ड पे हमने टाइम स्लॉट लिया। वहां से फिर ढेरों हजारों सैकड़ों प्रोग्राम, कोई कोई म्यूजिक शो होता था, कोई प्ले होता था, मतलब अब मैं याद भी नहीं, बहुत काम किया। फिर जब इस्लामाबाद वापस आई 2005 में, फिर दोबारा पीटीवी के लिए, यहाँ से मेरा एक यूएन का प्रोजेक्ट था, माटी की गुड़िया सीरीज थी, आईएलओ का प्रोजेक्ट किया एवर न्यूर पीटीवी के साथ, एएनएफ का, पता, मैं थीम्स पे लिखती हूँ, मैं वो सास बहू स्टफ नहीं ज्यादा लिख सकती। उसके अलावा फिर मैं लेकिन यहाँ पे पंजाब टीवी स्टार एशिया की हेड थी। जी, फिर जी, आप अपनी अब बात पंजाब पूरी कीजिए। टीवी स्टार एशिया को मैं इस्लामाबाद से हेड करती, और उसके अलावा फिर एवर न्यू कॉन्सेप्ट की डायरेक्टर प्रोडक्शंस रही। लेकिन मैं दो दो तीन तीन साल जॉब करती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ। वजह ये कि वो मेरा जो बहुत सारे और भी काम होते हैं ना, मतलब लिखने का, सीरियल लिखना, किताबें लिखना, वो फिर डिस्टर्ब होता है जॉब में, तो बस ऐसे चलती रहती हूँ, जब जो दिल चाहता है कर लेती। जबरदस्त, काफी मेहनत की हुई आपने, काफी अदबी खिदमत है आपकी, माशाल्लाह। रशीद अब्बासी साहब पूछ रहे हैं, आप कौन सी सिटी से हैं? सर, इस्लामाबाद से हैं मैम, और मैम अदबी मैम की अदबी खिदमत हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी उन पर एक नज़र डाली है अभी मैम ने। कुछ सवाल रहते हैं वो पूछेंगे। जो जो दोस्त देख रहे हैं, अपना कोई सवाल करना चाहें, कोई राय देना चाहें, वो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा मैम, आप अफसानों का नावल निगार भी हैं, इस हवाले से कुछ बताइए हमें। मेरा नॉवेल आ रहा है अभी, और मेरी 4 मजमूए आ चुके हैं अफसानवी, एक शेरी मजमू आ चुका है, और ये अभी रिसेंटली जो मेरी किताब आई है मुफ्ती जी और मैं, वो मुफ्ती जी के हवाले से मेरी याददाश्तें हैं। इसके अलावा मैं अपनी याददाश्तें, जो अपनी मेरी एक जिंदगी की याददाश्तें हैं वो, और सफरनामे हैं मेरे ढेरों, क्योंकि बहुत दुनिया पिछ अल्हम्दुलिल्लाह, और डिफरेंट अदबी कॉन्फ्रेंसेस में भी डेलीगेशन सार के लिए जाती रही हूँ। मुझे आगरा में 2013 में सार के अवार्ड भी मिल चुका है लिटरेचर और कल्चर का। सूफी जबरदस्त, कॉन्फ्रेंसेस मैंने इंडिया और बांग्लादेश में बहुत करवाई हैं 6 साल, और उसके अलावा मुमताज मुफ्ती गोल्ड मेडल ब्राए तक मुझे मिल चुका है। उसके अलावा ढेरों है, कोई 20-25 अवार्ड्स और तमगात वगैरह हैं, मतलब तमगात तो नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, जो भी आप कहते हैं मेडल्स वगैरह, तो एवार्ड, एवार्ड मेडल। जी, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो, तो बस इस तरह है, तो मुख्तलिफ काम होते रहते हैं, चलते रहते हैं। नोवेल पे काम शुरू किया हुआ है,
उसके 12 चैप्टर्स लिख चुकी हूँ और एक सवाल आया है। सवाल है कि आप पीटीवी के दौर में और आज के दौर में क्या फर्क समझती हैं? ये मेरा भी सवाल है, लेकिन आगे चल के मैं आपको किसी और अंदाज से पूछूंगा। ये देखने वालों में से सवाल किया गया है। हाँ, पीटीवी जो था ना, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। पीटीवी में जब मैंने लिखी 1 साल पहले तक, क्योंकि इस्लामाबाद से तो बदकिस्मती के तमाम क्वालिफाइड स्टाफ और बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट के होते हुए 6 साल पीटीवी से, इस्लामाबाद से तो एंटरटेनमेंट बिल्कुल बंद हो चुकी थी 6 साल। अब थोड़ा काम शुरू हुआ है, कर रहे हैं अब ये लोग। तो पीटीवी का दौर बेहतर था मुझे तो लगता है, क्योंकि फैमिली मिलके बैठ के देख सकती थी, ड्रामे मयारी होते थे। अभी पिछले सालों से, 12-15 साल से, निजी चैनल्स में जो एक साथ लोगों की भेड़ चाल शुरू हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल उस पर टॉपिक्स आ रहे हैं, फिर कोई कोई सिमत नहीं है, कोई वो नहीं रह गई। अब मॉर्निंग शोज, मेरे घर तो 8-9 सालों के टीवी लगता ही नहीं, क्योंकि कभी नेट पे देख लो तो मॉर्निंग शोज में जो कुछ हो रहा होता है, सॉरी से, वो ना तो हमारा कल्चर है और ना उससे हम बच्चों को, आने वाली जनरेशन को कोई सिखा रहे, ना ही सोसाइटी में उससे कोई फायदा हो रहा है। मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। कोई कोई मॉर्निंग शोज अच्छे भी हैं, लेकिन पता नहीं वो हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं तो नहीं देखती, ना मैं कोई पॉलिटिकल टॉक शो देखती हूँ, क्योंकि वो भी सिवाय टेंशन के और झगड़े के और कुछ, वहाँ कोई तमीज नहीं सिखाई जाती, बदतमीज बना रहे हैं जनरेशन को। हो सकता है मेरी बातें लोगों को बुरी लगे, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। और पीटीवी का भी जो अपना एक मयार था, वो अब शायद वो नहीं रहा होता मलक शाह देवान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं वेरी गुड इंटरव्यू, बहुत शुक्रिया सर। आप कोई सवाल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से आप प्रोग्राम होस्ट भी कर चुकी हैं, जहाँ तक मेरी तहकीक है आपके बारे में। आप जी। प्रोग्राम होस्ट भी कर चुकी हैं, आप मेज़बान भी रह चुकी हैं, आज मेहमान बनकर कैसा लग रहा है आप? मैं अक्सर मेहमान बनती रहती हूँ, मेहमान भी बनती रहती हूँ, मेजबान भी बनती रहती हूँ। दोनों सिचुएशन एक ही जैसी होती है, डिपेंड करता है कि आप कितने चालाकी से हैंडल करते हो उसको। और मुझे हैंडल करना आता है, एज मेजबान और एज मेहमान, दोनों तरह हैंडल कर लेती हूँ, फिक्र ना करें। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ऐसा कहना आप हैंडल कर रही हैं मेज़बान भी और मेहमान भी। जी सर जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है मैम ने, मलिक शाह दीवान साहब कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेटिव आपने शेयर जो की है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत मेरा सवाल शुक्रिया। है आप जी, रशीद अब्बासी साहब का फिर से सवाल आया है, चलिए उनके सवाल पर चलते हैं। पीटीवी के दौर में आपका फेवरेट ड्रामा? पीटीवी के दौर में बचपन में तो वो अच्छे लगते थे, जैसे समंदर देखा था एक, और पारस अपने बाद में देखा था। उसके अलावा उनके थे इशफाक अहमद के एक मोहब्बत 100 अफसाने, वो कभी कभी देखती थी। मेरा ख्याल है आज से 10-12 साल तक बहुत अच्छे प्लेज आते थे पीटीवी के। धुआं देखा था एक मैंने, धुआं मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर वो, हाँ, अल्फा ब्रावो चार्ली बड़े मजे का था। सारे तो नहीं देखती थी कभी कभी, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का और स्टडीज में बहुत फंसी होती थी। जो ये चंद याद है, ये अच्छे लगे थे मुझे। अच्छा, जो आपने ड्रामा के नाम लिए ना, ये सबके फेवरेट हैं ये ये तमाम लोगों के अच्छे फेवरेट। जी जी बिल्कुल, पीटीवी के के जितने भी फेवरेट। ड्रामे थे मेरे ख्याल से वो मायारी ड्रामे थे, उनमें मायारी काम होता था। और उसमें पीटीवी में मैंने एक चीज देखी है कि वो लोग पूरी कंट्री को जो ना तरजीह देते थे, शायद कोटा की बुनियाद पर ही सही, लेकिन तमाम लोगों को वो कोटा की बुनियाद पर लेते थे। कराची सेंटर था, कोयटा सेंटर था, पिशावर था, लाहौर सेंटर था, इस्लामाबाद था, हर जगह से लोग जुड़ते थे पीटीवी के साथ।
अब मीडिया ने बहुत सारी तरक्की कर ली है, लेकिन वो एक मेरे ख्याल में एक बंद गली में जाके खड़ा हो गया, मतलब हाँ कुछ भी नहीं है वहां पे, असल में आप मीडिया, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं देख सकते, पहले हाँ पूरे मुल्क की असल नुमाइंदगी में थी। मीडिया जो है ना, जो निजी चैनल्स हैं उनके डिफरेंट मुफादात हैं ना, उनके जाती मुफादात हैं, तो जहां जिसका मुफाद जो आड़े आ जाता है वो वही करता है। मुल्की मुफाद को तो बहुत कम लोग देख रहे हैं और बहुत कम प्रोग्राम में वो नजर आता है हमें। मैं बता रही हूँ ना, मेरे घर तो 7-8 साल हो गए टीवी नहीं लगता, कोई हमने चीज देखनी हो, कोई रेफरेंस हो तो बस नेट पे देख लेते हैं उसको। असलम नारायण साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माशाल्लाह बेहतरीन, शुक्रिया सर। मलक शाह थैंक दीवान यू साहब बहुत कह रहे शुक्रिया। हैं मुफ्ती जी से उनकी जिंदगी पे क्या असरात पड़े हैं, मुरतब हुए हैं, आपकी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, मलक शाह दीवान साहब पूछ रहे हैं। मुफ्ती जी की जिंदगी से जो असरात मुरतब हुए वो कुछ तो मुझ में जरासीम थे। फिर जाहिर है आप उसी बंदे से जुड़ते हैं ना जो आपका खमीर होता है, तो मुफ्ती जी भी एक सच्चे खरे और गलत चीजों के आगे ना झुकने वाले थे, तो मेरी शख्सियत पे भी वही पहले से भी खमीर था, और कुछ उन्होंने उसको ज्यादा वो कर दिया कि बस बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ, जेन्युइन अदीब रहो, लालच के तहत नहीं लिखना, जो भी करना है इस पाकिस्तान के लिए करना है, और जो भी करो, जो भी स्टेप उठाओ, ये सोचो कि ये तुम्हारे मुल्क को तकलीफ तो नहीं दे रहा, बस तुम्हारे मुल्क के खिलाफ तो नहीं है, तुम्हारी मदरलैंड के खिलाफ तो नहीं है, बस ये उनका सबक था और उसी पे चल रही हूँ। उसमें नुकसान बड़े होते हैं, मार बड़ी खानी पड़ती है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है ये सब। अच्छा, आपकी किताब मुफ्ती साहब और मैं, इस बारे में नाज़रीन को कुछ आगाह कीजिए, ये किताब कब लिखी गई, किस पर लिखी गई है। ये किताब अभी इन्हीं दिनों कुछ माह पहले लिखी, मुझे सरीर पब्लिकेशन वालों ने कहा था, नसीर अहमद नासिर उनके यहाँ पे एमडी हैं, बहुत सीनियर और बहुत कमाल के शायर हैं नज्म के, मेरा ख्याल है मैं उन्हें शहनशाहे नज्म कहा करती हूँ, बहुत खूबसूरत नज्म लिखते हैं नसीर अहमद नासिर साहब, लोग वाकिफ होंगे उनसे। तो उन्होंने जबरदस्त, मुझे कहा कि मुफ्ती जी के हवाले से कोई बात हो रही थी, तो मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अब कुछ याददाश्तें लिखूं, तो उन्होंने कहा तो मुफ्ती जी पे पहले लिख लो, तो हम छाप देंगे किताब। मैंने कहा ठीक है, मैंने किताब लिखी वो उसकी अभी 2 माह पहले आई थी, तो माशाल्लाह पहली तकरीब उसकी 2 दिन के बाद ही नौशहरा में विमेन कॉलेज में हुई, बड़ी धूमधाम से, बहुत लोग थे। फिर उसके बाद सेकंड जो हुई है अलहम्द यूनिवर्सिटी वालों ने की है, उसकी तकरीब ऑनलाइन हुई है, लेकिन उन्होंने अपने एमफिल के स्टूडेंट्स को जमा किया था और दुनिया भर में वो देखी गई, और माशाल्लाह किताब जो है बहुत कामयाब गई है, लोग उसको ऑनलाइन खरीद रहे हैं, मतलब सरीर पब्लिकेशन को ऑर्डर्स आ रही हैं, और इसमें एक्चुअली मेरा मुफ्ती जी से 14 साल का ताल्लुक रहा, यानी मैं अभी एक टीन एजर थी जब मैं उनको मिली, फिर उनकी डेथ तक, और उस वक्त वो 80 से ऊपर एक बेड रिडन बिस्तर पे पड़े हुए एक बीमार आदमी थे, लेकिन वो इतने अंदर से ताकतवर थे, वो ऐसी कोई मकनातीस थे, मैंने इस किताब में वो सब लिखा है जो मैंने महसूस किया उनके बारे में, और जितना अरसा मेरा उस घर में एक बेटी की हैसियत से आना जाना रहा, पूरी फैमिली के साथ प्यार, उनकी मिसेस को मैं अम्मी जी कहती थी, और बेटियां उनकी मेरे साथ दोस्तों की तरह, और मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, और इस किताब में बस मैंने वही लिखा जो मैंने महसूस किया, जो मैंने वहां देखा, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में मैंने वो लिख दिया, बस तो बस ये है। जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए, आपके फेवरेट राइटर एंड पोइट कौन है, राइटर आपके फेवरेट। देखिए मेरे फेवरेट राइटर्स बहुत सारे हैं, अगर आप नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो उनमें तो मुफ्ती जी हैं,
उसके अलावा शायरों में मुझे सबसे अच्छे मजीद अमजद लगते हैं, फिर मोहसिन नकवी हैं, फिर नासिर काज़मी हैं, ये तीन चार लोग मुझे बहुत पसंद हैं। मजीद अमजद की तो वक्त ने कदर नहीं की, लेकिन मैं कहती हूँ इकबाल के बाद पिछली सदी का सबसे बड़ा शायर मजीद अमजद ही था। ये और बात है कि उनको पब्लिसिटी का शौक नहीं था, तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा अदब में होता है कि चंद चीजें लिख के जो जिनको अपनी, एक्चुअली मैंने ये देखा कि इस वक्त पिछले 20 साल में कि अच्छा राइटर होने के लिए मशहूर, अच्छा नहीं मशहूर राइटर होने के लिए आपको बड़ा अच्छा इन्वेस्टर बनना पड़ता है। अब वो इन्वेस्टर पैसे की सूरत में भी हो सकता है, खिदमत की सूरत में भी हो सकता है, या चालाकी मकारी की सूरत में भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट। तो वो लोग मशहूर हो गए जिनमें शायद टैलेंट इतना नहीं था, और बहुत सारे टैलेंट वाले लोग जो हैं पीछे रहे, बजाहिर पीछे रह गए। तो मजीद अमजद भी उन्हीं लोगों में से थे जिन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, लेकिन टाइम अब उनको बता रहा है। इसके अलावा मंटो, मंटो तो मेरा बहुत फेवरेट है। उसके अलावा अगर इंडिया के राइटर्स को देखा जाए तो उनमें कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और गुलजार नज़्म में मेरे बड़े फेवरेट हैं। काफी लोग हैं, मतलब जो जेन्युइन राइटर है ना, अगर वो ज्यादा ना भी लिखे तो उसकी कोई ना कोई चीज जो है आपको क्लिक कर, अगर आप अच्छे पढ़ लिखते हैं। लेकिन जो जेन्युइन नहीं होते वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, वो समझ आ जाती है कि अब इनकी जो है ना कोटा खत्म हो गई। ये बात जबरदस्त वसीम अहमद साहब, गुड वर्क, थैंक यू सर, असलम डहानी बलोच, गुड प्रोग्राम, थैंक यू। एक थैंक और यू सवाल वेरी आपसे, मच लिसनर्स। मुझे मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम 10-15 मिनट लेट हुआ, उससे कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस भी दोस्तों के आए कि नहीं कनेक्ट हो रहा, तो हो सकता है कुछ लोग मायूस होके इधर उधर हो गए हो। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरे को, मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो मैं प्लीज आई एम देयर। इसके अलावा मुफ्ती साहब के अलावा आप कौन सी किताबें और लिख चुकी हैं जो इस वक्त पढ़ने के लिए अवेलेबल हों दोस्तों को? मुफ्ती जी की तो अभी आई है, लेकिन मेरी जो पहला अफसानवी मजमुआ है सच्चे झूठ, वो आया था 91 में, फिर आधा सच आया था 99 में, फिर उसके बाद मेरी शुगर कोटेड आई किताब वो आई 2014 में, फिर मीठा सच आई 2000, ये भी अफसानवी मजमुए थे, मीठा सच्चाई 2017 के एंड में, और अब मुफ्ती जी और मैं आई, ये छठी किताब ये मेरी आई है। लेकिन इसके साथ साथ शायद मेरी बहुत सारी किताबें हो जाती, लेकिन चूंकि मैं साथ साथ सीरियल लिखती हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ, प्रोडक्शन करती हूँ, तो उधर भी फिर आपको पता है लिखने के लिए उधर भी टाइम देना पड़ता है, तो बस उनमें भी मसरूफ रहती हूँ। जबरदस्त, काफी किताबें आप लिख चुकी हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। कोई आपकी फेवरेट किताब जो आपने खुद लिखी हो वो आपकी फेवरेट हो? मेरी किताबों में से फेवरेट, जी, आपकी किताबों में से आपकी फेवरेट किताब। अच्छा यहाँ मैं आपको एक सवाल करूंगी। एक माँ हो, उसके बहुत सारे बच्चे हो, अब कोई उससे पूछे में से फेवरेट कौन सा है बताएं। आजकल तो माएं बता देती हैं कि मेरे फलां मैं वो बेटे माँ हूँ जो नहीं फल बता सकती। अच्छे अच्छा देखिए आपकी हर पसंदीद किताब, जी और हर अफसाना जाहिर है डिफरेंट एज के मुख्तलिफ मराहिल मुख्तलिफ अदवार में लिखा जाता है, ठीक है। अब हर किताब या हर अफसाने की उस उम्र उन हालात के तहत एक अहमियत होती है,
ठीक है, वो फिर टाइम के साथ साथ वो चीजें चेंज भी होती जाती हैं, मेच्योरिटी आती जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज जो मैंने 13 साल की उम्र में लिखी, ठीक है, हो सकता है अभी वो बचकाना लगे सपोज, लेकिन उसका जो उस वक्त की अहमियत है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आज का जो लिटरेचर है, हो सकता है अगली सदी में ये लिटरेचर कुछ भी ना माना जाए, कुछ भी ना समझा जाए, लेकिन आज के वक्त में उसकी अहमियत, तो चीजें जो हैं वो रिलेटिव होती हैं अपने हिसाब से। अच्छा, आपकी कोई पसंदीदा किताब जो आप बार बार पढ़ती हो, यहीं के किसी पाकिस्तान के किसी राइटर की या बाहर की? मेरी पसंदीदा किताब एक तो मैक्सिम गोर्की की मदर, मैंने बहुत पढ़ी, 2-3 दफा उसको पढ़ा। उसके अलावा खलील जिब्रान की मैंने किताबें कई कई बार पढ़ी हैं। खलील जिब्रान की किताबें मुझे, उसकी उसकी किताबें क्या कोटेशन है, अमर्ता प्रीतम की कुछ किताबें मैंने कई बार पढ़ी हैं, मुफ्ती जी की अलीपुर कायली और अलख नगरी, और शहाबनामा को मैंने 2 बार पढ़ा है। उनकी किताब है मां जी, कुदरतुल्ला शहाब की, जो उन्होंने मुझे अपनी सिग्नेचर्स के साथ दी हुई, उसको मैंने 2-3 दफा पढ़ा है। तो काफी चीजें ऐसी हैं जिनको दो दो चार चार दफा पढ़ा है मैंने। नॉर्मली टाइम नहीं मिलता कि किसी चीज को दूसरी दफा पढ़ूं। अच्छा, एक ऐसा सवाल है, शायद आप उसका जवाब ना देना चाहें, लेकिन हम पूछने की कोशिश करेंगे, शायद आप जवाब दे दें। आप उम्र के किस हिस्से में हैं और आप कितनी उम्र की बाहर गुजार चुकी हैं इस वक्त? ये खतरनाक सवाल मैं है। आप हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने तो, लोग यही कह रहे हैं कि पहली खातून है जिसने किताब में अपना सने पैदाइश लिखा है, मुफ्ती जी और मैं भी, मैंने अपना सने पैदाइश एग्जैक्ट लिखा है, जिसने मुझे जबरदस्त। कुछ दोस्तों ने कहा भी कि तुम लगती नहीं हो तो तुमने क्यों लिख दिया। मैंने कहा बात सुनो, इसमें जो ये तो अच्छी बात है कि मैं छोटी लगती हूँ, तो ये तो एक क्रेडिबिलिटी है, तो मैं क्यों छुपाऊं अपनी उम्र, उम्र को तो छुपाने का कोई वो नहीं होता। हाँ ये है कि अगर आप एक्टिव हैं, आप मेंटली फिजिकली एक्टिव हैं और आप तवाना हैं और आप लोगों के लिए यूजफुल हैं, और जो आप लग रहे हैं वही आपके ऊपर है, बस सीधी सी लेकिन आपने बताई नहीं है अभी तक उम्र। क्यों बताऊं, किताब पढ़ ले पता चल जाएगी। जिन्हें उम्र जाननी है दोस्तों, वो उनकी किताब पढ़ें, किताब में सन लिखा हुआ है। किताब पे लिखा हुआ है। अच्छा, आपकी शादी किस उम्र में हुई? आपकी औलाद के बारे में बताएं, कितनी औलाद है आपकी? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, जवान बेटे हैं, और शादी मेरी 20s में हुई, यूनिवर्सिटी के बाद बस 1 साल जॉब किया फिर शादी हुई। मिजाजन आपकी तबीयत के बारे में पता तो चल रहा है, लेकिन एक सवाल है, मिजाजन आपकी तबीयत कैसी है? किस तबीयत मिजाजन मैं हंस खेलती रहती हूँ, शरारती हूँ, अभी तक शरारती हूँ, पंगे करती रहती हूँ और हंसती खेलती रहती हूँ, लेकिन ये कि असली तौर पे मुझे गुस्सा आ जाता है, असली बातों पे हर वक्त नहीं आता, मतलब वो मैं चिड़चिड़ी नहीं हूँ। हाँ गुस्सा जब आता है असली तौर पे किसी असली बात पे, और फिर बहुत बुरा होता है, मतलब फिर मेरा बस चलता है कि जो बंदा गलत कर रहा है ना, मैं उसको 2-4 थप्पड़ तो टिका दूं, लेकिन जाहिर है वो नहीं कर सकती, तो थप्पड़ तो नहीं टिका सकती लेकिन सुना देती हूँ अच्छी खासी। मतलब मुझे जिन चीजों पे गुस्सा आता है ना, वो है बेईमानी, झूठ और करप्शन। वो जो भी कर रहा हो और अगर मैं देख लूं ना, तो फिर मैं उसको नहीं बख्शती, चाहे वो कोई अपना हो चाहे कोई पराया। इज्तमाइयत पसंद करते हैं क्या आप? लोगों के साथ रहना पसंद करती हैं या फिर तनहा रहना लोगों के पसंद करती साथ? हैं फारिक टाइम? जी, हाँ क्यों अपना। नहीं, मैं लोगों के साथ रहती हूँ, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि तकरीबात भी ज्यादा होती हूँ, वरना कोशिश मेरी होती है कि मैं अकेली रहूं। वजह ये होती है कि मुझे लिखने पढ़ने का बहुत टाइम चाहिए होता है ना,
तो वैसे तकरीबात में बड़े दोस्तों के साथ गपशप भी होती है, कभी कभार मेहमान भी आते हैं, मैं भी, लेकिन घरों में कम जाती हूँ। जैसे होता है ना कि घरों में विजिट करना, वो मेरा ख्याल है मेरा बहुत रेयर कोई एक आदमी से जिंदगी में, बहुत कम घरों में विजिट नहीं करती। हाँ तकरीबात में मिल लिया या कभी कभार कोई मेरे, हाँ वो भी बहुत रेयर, बहुत रेयर। ज्यादातर ये होता है फोन पे बात हो गई, नेट पे बात हो गई, तकरीब में मिल लिया। अब तो तकरीबात भी खैर ऑनलाइन होती है। तो असल में मैं चाह रही हूँ, मैंने बहुत सारा लिखने का काम है मेरे पास, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो टाइम घरदारी से बचे मैं लिख लूँ बैठ, बस ये होता यानी कि आप लिखने पढ़ने से जुड़ी हुई हैं। असलम बलोच साहब, ज़बरदस्त सर, शुक्रिया। कोई सवाल करना चाहें बहुत कीजिए। शुक्रिया। हाँ जी, इंटरनेट की दुनिया से आप कब मुतारिफ हुए? इंटरनेट की दुनिया से मैं 2007 में, उससे पहले तो खैर थी, मतलब जैसे ईमेल पे और जीमेल वगैरह पे, लेकिन फेसबुक पे मैं 2007 में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस तरह देखती हैं आप? ट्विटर, फेसबुक? मैं ट्विटर पे नहीं जाती ज्यादा, दो चार दफा गई, लेकिन वहां तो बिल्कुल मछली बाजार है ना, अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अलबत्ता जो फेसबुक है, यहाँ भी पहले तो मैं शुरू में बहुत एक्टिव होती थी, लेकिन अब टाइम के साथ हुआ कि इट्स ठीक है, आप लोगों से कनेक्ट तो होते हो, लेकिन बहुत सारी फालतू चीजें भी आपका टाइम जाया करती, तो इसलिए मैं बस अपना पोस्ट करती हूँ, जो दो चार सामने आ गए उनको हेलो हाय कर लिया या उनकी पोस्ट पे कमेंट किया और आउट। हाँ अलबत्ता अब ये जो कोविड की वजह से सिचुएशन है, इसमें सोशल मीडिया एक अच्छा पॉजिटिव रोल कर रहा है कि ऑनलाइन देखिए मुशायरे भी हो रहे हैं, उनकी तकरीबात भी हो रही है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, डॉक्टरों से मशवरे भी ऑनलाइन हो रहे हैं। मैं जैसे अब अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मैं क्लासेस ऑनलाइन ले रही हूँ, आजकल तकरीबन 2 माह हो गए ऑनलाइन मैं क्लासेस लेती हूँ। कभी कभी जब ऑनलाइन डिसकनेक्शन हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा लेना, मैं फिर उनको कई दफा घर बुला लेती हूँ बच्चों को वीकेंड पे, तो उस तरह ले लेती हूँ एक बार क्लास। वो यही है, मैं चूंकि यूनिवर्सिटी की विजिटिंग फैकल्टी में भी हूँ, मैथ्स कम्युनिकेशन भी पढ़ाती हूँ, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं लोगों के घरों में जाऊं या बस फोन पे गपशप हो जाती है। अच्छा, कौन सा काम आपको नापसंद है, जो नागवार गुजरता है, जो बुरा लगता है आपको? मतलब काम तो घर के काम, बाहर नहीं के नहीं नहीं कौन से काम। आपका अपना, आप ऐसा क्या काम करती हैं जो आपको पसंद, नापसंद है, नागवार गुजरता है, लेकिन आप करती हैं, छोड़ मेरी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जी ऐसा कोई काम करती नहीं जो मुझे अच्छा ना लगता। चले लेफ्ट करते हैं सवाल को, आगे चलते हैं। फुर्सत और परेशान कुन लम्हात में किन अमूर पर, कौन से अमूर है फुर्सत जो आपको परेशान करते हैं? मुझे वही बता रही हूँ ना, लोगों के जो डबल फेसेस है ना, जो लोगों के डबल फेसेस है, लोगों की जो मुनाफ्त है, वो तो कहीं भी हो, पर्सनल लेवल पे हो, घर में, फैमिली में, बाहर, राइटर्स में, मुझे वो बहुत परेशान करती है और उस पे मैं बोले बिना भी नहीं रह सकती। मतलब एक बार कोशिश करती हूँ कि साइड से निकल जाऊं, पतली गली से निकल जाऊं, लेकिन वो मेरे अंदर जो कीड़ा है ना दिमाग में, वो फिर कहीं ना कहीं मैं बोल जाती हूँ और उससे मैं बड़ी दुश्मनियां भी मोल ले लेती हूँ, लेकिन मैं सच बोले बगैर नहीं रहती। अब कोशिश इसीलिए करती हूँ कि चुप रहूं, ना सच बोलूं ना झूठ बोलूं, चुप रहूं, सच लिखती जाऊं। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या समझते हैं? आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? मेरी जिंदगी का जी बंदा जो है ना, उसको अल्लाह ने किसी खास के लिए पैदा किया,
मेरी जिंदगी का मकसद पता नहीं, समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का मकसद जो है ना, जरा झूठों को शीशा दिखाना, बेईमानों को शीशा दिखाना और लिखना। और बच्चे तो अब मैंने बड़े कर लिए हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा मकसद था, वो अब बड़े हो। अच्छा अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। असलम साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा इंटरव्यू हो रहा है, आपकी तारीफ हो रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कौन थे, इनका नाम नहीं समझ आया? असलम बलोच साहब हैं, जामशोरों से हमें देख रहे हैं वो। अच्छा असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल कीजिए अगर आप किसी में कोई सवाल हो तो। किसी चीज से खौफजदा होती हैं आप? ख्वाब से, डरावने ख्वाब, या किसी भी चीज से? कसम से नहीं, डरने का नाम नहीं है यहाँ पे, डरना मना है मैं आपको वो एक वाली मजे सिचुएशन। का वाक्य बताऊं, खवातीन को ना अकेली जगहों से डर लगता है ना, अंधेरे से डर लगता है। मुझे ना अंधेरे से डर लगता है, ना मुझे अकेलेपन से डर लगता है, ना मुझे जंगल से डर लगता है। मैंने इतने बड़े बड़े दो काले डोबरमैन कुत्ते पाले हुए हैं, जिनके करीब औरतें जान दूर से देख के चीखें मारती हैं, मेरी गोद में वो खेलते हैं दोनों। शेर नहीं है आप यानी ये? वाकई मुझे नहीं डर लगता, मुझे किसी अल्लाह के सिवा किसी चीज से डर नहीं लगता, यकीन कर। जबरदस्त। मुस्तकबिल में ऐसा क्या करना चाहती हैं आप जो अभी तक नहीं कर पाई? अरे देखिए, वो कहते हैं ना, इतने अरमान है कि मर के ही निकलेंगे। मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बस महदूद हो जाता है इंसान। लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ वो तो यही है कि बस इस मुल्क के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं, पता नहीं क्या कर जाऊं, लेकिन कुछ ऐसा कर जाऊं कि शायद यहाँ चेंज आ जाए। बस अपने कलम से कोशिश तो कर रही हूँ, अल्लाह जानता है किस हद तक कामयाब होती हूँ। अच्छा, एक और सवाल। जिंदगी के इतने अदवार गुजार लेने के बाद जिंदगी से आपने क्या सीखा है? जिंदगी से मैंने तो बड़े तल्ख सबक सीखे। जिंदगी जालिम भी बहुत है, मेहरबान भी बहुत है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे जिंदगी ने यही समझाया है, सिखाया है कि दुनिया किसी हाल में खुश नहीं होगी, लोग कभी भी खुश नहीं होते। इसलिए आप डरे बगैर अपने जमीर के कहे पे चलो, सिर्फ डरो अल्लाह की जात से, किसी के लिए बुरा नहीं करो, लेकिन अगर कोई बुरा करता है तो पहले तो समझाओ, वरना ही जवाब मत दो। ये मुझे जिंदगी में सीखा। अरे आप हर बात में लड़ने वाला, लड़ना कहीं ना कहीं से ले आती हैं, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है ये मतलब? मैंने अल्फाज की लड़ाई बहुत लड़ी है, अभी भी लड़ रही हूँ ना। देखिए, जो हमारे अदब में क्या, हमारी पॉलिटिक्स में क्या, हमारी सोसाइटी में क्या, लेकिन जो नेगेटिविटीज है वो दुनिया में हर जगह है, उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की, सहाबा ने लड़ाई की, बुजुर्गों ने, सूफियों ने, आलमों ने लड़ाई की। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप खड़े होकर किसी को गाली गलौज करें, लड़ाई से मुराद है कि स्टैंड लेना। यहाँ लड़ाई से मेरी मुराद है स्टैंड लेना, अपने मुआशरे की खराबियों के खिलाफ स्टैंड लेना, नेगेटिविटी के खिलाफ स्टैंड लेना, और जो कुछ हो रहा है आपके अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना। अब वो मैं चूंकि एक राइटर हूँ, मेरी लड़ाई कलम से होती है, बस कलम के थ्रू लड़ाई। जबरदस्त। इंसान जिंदगी के किसी न किसी शोबे में महारत और काबिलियत रखता है, इस हवाले से अपनी सलाहियतों की तलाश किस तरह हुई आपकी, कैसे हुई? मेरा एक मसला है कि मैं जो काम भी करती हूँ ना,
घर की सफाई से लेके लिखने तक मैं उसको प्यार सिखाती हूँ। मतलब अगर नहीं है मूड तो नहीं करूंगी, लेकिन जब करूंगी तो प्यार से और नियत से करूंगी। और ये मेरा ईमान है कि आप जो काम भी दिल से करेंगे, प्यार से करेंगे, नियत से करेंगे, वो हमेशा खूबसूरत है। जबरदस्त, सारे सवालों के जवाब आपने फटाफट दे दिए। मैं आपको सवाल भेजना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये कैसे सवाल है, मैं भेज दूँ, मैं डायरेक्ट से सवाल पूछ लूंगा। अच्छा, आखिरी दो सवाल हैं, अमूरे खानदारी में क्या किरदार अदा करती हैं आप? अब मैं अगर अपने मुंह से कहूंगी तो मिया मिठू कहलाऊंगी, लेकिन मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब इस चीज को मानते हैं कि मैं जाहिर आउट गोइंग और जॉब, जिसके बावजूद मैं अपने घर को लुक आफ्टर करती हूँ, हेल्पर्स के होने के बावजूद कुकिंग मैं खुद करती हूँ ज्यादातर, और लोग कहते हैं कि मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा है। जबरदस्त, फिर तो हमें भी खाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, आए खाने आप इस्लामाबाद, आए मैं आपको खाना खिलाऊंगी। मेरे कई फ्रेंड्स ना यूनिवर्सिटी के जमाने में, फिर बाद में जॉब्स में, आप ट्रस्ट करें कि कोई मानता ही नहीं था, कहते थे ये कैसे हो सकता है, तुम सारा दिन शरारती करती, लिखती पढ़ती घूमती, तुम्हें क्या कुकिंग आती होगी, तुम्हें क्या घर। तो एक दफा मुझे याद है मेरी यूनिवर्सिटी फेलो सारे मेरे घर आए, मैंने कहा अच्छा आओ एक दो दफा डिशेस बना के देखी, कोई ना माने कि नहीं तुमने कुक से, क्योंकि कुक्स भी होते थे मम्मी के, तो मैंने भी रखे, तो ये कहते थे कि भाई कुक से बनवा के ला। मैंने कहा नहीं। फिर एक दिन सारी मेरी क्लास थी, हम लोग 15 लोग थे क्लास के, 4 लड़कियां बाकी लड़के, सब जनाब मेरे घर आए, किचन में खड़े हो गए, तो तुम बनाओ सामने, तब हम। और मुझे याद है कायदे यूनिवर्सिटी की मेरी क्लास में, सब क्लास रूम में मेरे किचन में सब भरे हुए, तन्ने बंदा खड़ा और मैं पका रही। फिर उनको यकीन आया कि मैं पका सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा पका सकती हूँ। जबरदस्त, यानी यकीन नहीं था कि आप खाना भी पका लेती हैं। शक्ल से नहीं लगता, हरकतों से नहीं लगता ना। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको, फल फ्रूट में, सब्जियों में, खाने में क्या? मैं हर चीज खा लेती हूँ, मुझे सब चीजें जो अच्छी बनी हो खा लेती हूँ। मेरी हाँ, कीमा करेले मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे बनाती हूँ, और चावल मुझे बहुत, मैं सादा चावल हो, खिचड़ी हो, वट एवर, चावल मुझे बहुत पसंद है। मक्की की रोटी और साग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत अच्छी मक्की की रोटी बनाती हूँ। मतलब मेरी मदर कहती है कि मैं आज तक ऐसी नहीं रोटी बना सकती जैसे तुम। माशाल्लाह, जबरदस्त, पता ही नहीं चला। खानी हो तो पीछे का आज जी आना होगा तो जरूर आएंगे और खाएंगे भी। सही, जबरदस्त, 1 घंटा गुजर गया, पता भी नहीं चला आपने इस तरह प्रोग्राम को। जी, कोरोना के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तानी आवाम को? कोरोना के हवाले से तो यही है कि सोशल मीडिया पे बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है ना, आज एक वीडियो आ रही है, कल दूसरी आ रही है, परसों तीसरी। तो मैं कहती हूँ कि अफवाहों पे यकीन ना करें, मैं भी बाज उन अफवाहों के पीछे चल पड़ती हूँ, तो हमें अफवाहों पे यकीन करना नहीं करना चाहिए, बस अपनी एहतियात। वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है, करवाना चाहते हैं करवाएं, नहीं करवाना चाहते ना करवाएं, लेकिन एहतियात जरूर करें जो थोड़ी बहुत। यूथ के लिए, नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी, कोई मैसेज? किनको, यूट्यूब के? नहीं, नौजवानों के सॉरी लिए कोई सवाल मैसेज समझ नहीं आया। जी जी, नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? नौजवानों के लिए मैं ये पैगाम दूंगी कि हमारी यंग जनरेशन जो है, नौजवान इंटेलिजेंट बहुत है, टैलेंटेड बहुत है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है जो हमारे पास नहीं थे, सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है। मैं उन्हें कहूँगी कि इन चीज़ों के नेगेटिव इस्तेमाल के बजाय इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, वर्ल्ड ओवर ग्लोबल नेटवर्क्स बनाएं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट
टेक्नोलॉजी के सीखने के बजाय इसके टिकटॉक और चैट और ये करें, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करें, लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी को आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए यूजफुल बना सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज योर टाइम। जबरदस्त बात की आपने, हमारा वक्त भी पूरा हो चुका है, आपका फिर से अल्लाह ना शुक्रिया अदा करे आपका करेंगे। पूरा हो चुका। प्रोग्राम का वक्त पूरा हो चुका है, हमारा वक्त भी पूरा होना है, सबका वक्त पूरा होना है, लेकिन 1 घंटा हो चुका है, तो आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया प्रोग्राम आपका, बहुत अच्छा गया है ये, बिल्कुल बहुत मुझे शुक्रिया। कॉन्फिडेंस मिला इस प्रोग्राम से, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नाजरीन जो जो हाफिज। हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, आप कोई राय देना चाहें प्रोग्राम के हवाले से वो दीजिए, हम अगली दोबारा कल परसों किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।